इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पिक्चर चालू करो बे। दो सवाल पूछते अपनी बात को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। जितने भी ईवीएम में गलत वोट होते हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि ईवीएम फिक्स्ड है, चलो गलत वोट हुए, वो सारे गलत वोट हमेशा भाजपा के क्यों निकले? अब अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कभी आपके आज तक में एक पत्र निकला है कि गलत वोट कांग्रेस का निकला, आम आदमी पार्टी का निकला? दूसरा, जितने भी ईवीएम निजी गाड़ी में पकड़े गए, मैं सरकारी गाड़ी की बात नहीं करता हूँ, बिना एसओपी के, वो भाजपा के कार्यकर्ता की गाड़ी में क्यों पकड़े जाते? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तीसरी मेरी आरटीआई, जितने भी ईवीएम घूम चुके वो उन राज्यों से क्यों घूमे जहाँ पे भाजपा की सरकार है? और अगर ईवीएम का कोई कुछ मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम फिर डिबेट वीडियो लेकर आए हैं। आज का डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाला है, देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ईवीएम के दो सवाल है, हम क्या चाहते हैं? जितने भी वीवीपैट हो, जितने भी स्लिप हो, उसकी काउंटिंग हो। इसमें गलत क्या है? ट्रांसपेरेंसी। 5% से बढ़ना 100%। ईवीएम पे शक नहीं, आप जो स्लिप है उसकी काउंटिंग करो 100%, उसमें दिक्कत क्या है? दूसरा, जो वीवीपैट स्लिप निकलता है उस पर एक बार कोड हो कि उस ईवीएम से निकला है। हाँ। कोई गलत बात मैंने आज अब तक कोई गलत बात मैंने कही? तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, ईवीएम की स्लिप्स डिस्ट्रॉय ना हो, जैसे हमने देखा चंडीगढ़ चुनाव में कैसे। अरे आशुतोष जी बोल रहे हैं सबसे लोकप्रिय नेता कौन है देश का? नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, सीटों के आंकड़े को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी। आप लोगों की वहाँ अगर एक एक करके लोग छोड़ते हुए चले जा रहे हैं और बीजेपी से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, तो फिर अगर वो 400 पार का नारा दे रहे हैं तो क्या गलत? बिल्कुल दे रहे, और उनका अधिकार है। सबसे लोकप्रिय नेता चंडीगढ़ में भी नरेंद्र मोदी जी है, आप भी मानते, मैं भी मानता हूँ, प्रियंका भी मानती, तो क्या जरूरत थी वो चिट्ठी को घुमाने की चंडीगढ़ के चुनाव में? अच्छा, उन्होंने कहा है कि ईवीएम पर तो हमको नहीं लगता है कि ईवीएम पर बात करनी चाहिए। जहां लाखों लाख लोग लगते हों वहां पर आप लोग फटाक से बाहर आके और कह देते हैं कि प्रधानमंत्री आंकड़ा दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ईवीएम ही सेट हो गई है। ठीक बात है क्या? नहीं, क्योंकि ईवीएम पर पेटिशनर मैं हूँ इलेक्शन कमीशन के अंदर। हाँ। मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। एक्चुअली प्रियंका की पार्टी ने भी, सौरभ भाई ने मेरी काफी मदद की थी। मैं इस पर दो चीज कहना चाहता हूँ। ईवीएम के दो सवाल है, हम क्या चाहते हैं? जितने भी वीवीपैट हो, जितने भी स्लिप हो, उसकी काउंटिंग हो। इसमें गलत क्या है? ट्रांसपेरेंसी। 5% से बढ़ना 100%। ईवीएम पे शक नहीं, आप जो स्लिप है उसकी काउंटिंग करो 100%, उसमें दिक्कत क्या है? दूसरा, जो वीवीपैट स्लिप निकलता है उस पर एक बार कोड हो कि उस ईवीएम से निकला है। हाँ। कोई गलत बात मैंने आज अब तक कोई गलत बात मैंने कही? तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, ईवीएम की स्लिप्स डिस्ट्रॉय ना हो, जैसे हमने देखा चंडीगढ़ चुनाव में कैसे। अरे आशुतोष जी बोल रहे हैं सबसे लोकप्रिय नेता कौन है देश का? नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, सीटों के आंकड़े को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी। आप लोगों की वहाँ अगर एक एक करके लोग छोड़ते हुए चले जा रहे हैं और बीजेपी से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, तो फिर अगर वो 400 पार का नारा दे रहे हैं तो क्या गलत? बिल्कुल दे रहे, और उनका अधिकार है। सबसे लोकप्रिय नेता चंडीगढ़ में भी नरेंद्र मोदी जी है, आप भी मानते, मैं भी मानता हूँ, प्रियंका भी मानती, तो क्या जरूरत थी वो चिट्ठी को घुमाने की चंडीगढ़ के चुनाव में? अच्छा, मैं दो सवाल पूछते अपनी बात को समाप्त करता हूं, विराम देता हूं। जितने भी ईवीएम में गलत वोट होते हैं, मैं ये नहीं मानता हूं कि ईवीएम फिक्स्ड है, चलो गलत वोट हुए, वो सारे गलत वोट हमेशा भाजपा के क्यों निकलते? कभी आपके आज तक में एक पत्र निकला है कि गलत वोट कांग्रेस का निकला, आम आदमी पार्टी का निकला? दूसरा, जितने भी ईवीएम निजी गाड़ी में पकड़े गए, मैं सरकारी गाड़ी की बात नहीं करता हूँ, बिना एसओपी के, वो भाजपा के कार्यकर्ता की गाड़ी में क्यों पकड़े जाते? तीसरी मेरी आरटीआई, जितने भी ईवीएम घूम चुके वो उन राज्यों से क्यों घूमे जहाँ पे भाजपा की सरकार है? और अगर ईवीएम का कोई कुछ मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ जितने भी वीवीपैट है उस पर बारकोड हो गिनो। दिक्कत क्या? ईवीएम का रोना शुरू। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ ईवीएम से वोटिंग करो, आप टैली करो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।